हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है डिस एसोसिएशन। जब भी हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई दूसरा हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, और हम उसको सोचते 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 बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं कभी भी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं, खासकर जब हम किसी इमोशनल इशू से गुजर रहे होते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं। तो उसी के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि हम जो वो प्रॉब्लम है, हम ऐसा सोचें कि हमारी ये प्रॉब्लम हमारे किसी फ्रेंड की है, किसी जानकार की है, और वो हमारे साथ इस प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है। तो जब वो आपको वो प्रॉब्लम बताता है, पहले तो आप ये फील करें कि उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये सच में ही इतनी बड़ी है या नहीं है, या ये ऐसी कोई बेवकूफाना बात है या कोई ऐसी छोटी बात है जिसको वो मन में लेके बड़ा किए जा रहा है, या जिसके बहुत आसान से सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहले तो आप अपनी फीलिंग को देखें, दूसरा फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड को क्या सॉल्यूशन देते हैं उस चीज़ के लिए, उन पर गौर करें। तो जो भी आप अपने फ्रेंड को सॉल्यूशन देंगे, उनको कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में अपना सकें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना आपने उसको अपने मन में बना रखा था। मैं आपके साथ में एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे और उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि जो चाइनीज़ चीज़ें होती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं, बहुत लो क्वालिटी की होती हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो वो कुछ टाइम से चाइनीज़ स्लीपर्स यूज़ कर रहे थे, तो उनके मन में ये वहम हो गया कि मैं इतने दिनों से चाइनीज़ स्लीपर्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम में, मेरे पैर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अब नहीं हुई है तो आगे जाके हो जाएगी। और वो इस चीज़ को सोचते रहते हर टाइम यही सोचते रहते, और उन्होंने उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लिया। तो उन्होंने मेरे साथ ये प्रॉब्लम शेयर की कि मैम, मैं 24 घंटे इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही है। पहले मैंने उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोले कि आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। फिर मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि ये सेम प्रॉब्लम आपका कोई फ्रेंड आके आपको बताता कि मुझे स्लीपर से डर लगने लगा है, या मेरे मन में वहम हो गया कि स्लीपर से मेरा पैर खराब हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसा आर्टिकल पढ़ लिया है। तो मेरी बात सुनने के बाद वो काफ़ी देर तक तो हंसते रहे, शायद उनका एहसास हुआ होगा कि कोई ऐसे उनको आके बोले तो उनको लगेगा कि कितनी बेवकूफाना हरकत कर रहा है ये सोच रहा है। फिर मेरा उनके साथ काफ़ी देर तक डिस्कशन होता रहा, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि वो बेवजह ही उसके बारे में सोचे जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बहुत लाइट फील किया और उनकी जो वो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी लाइट होके वो आगे बात के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को उस चीज़ से डिसएसोसिएट करके देखें एक बार, तो आपको एहसास हो जाएगा कि चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, इतनी परेशान करने वाली नहीं है जितना हमने उन्हें बना रखा है। तो जब भी आप कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम महसूस करें तो आप भी इस टेक्निक को एक बार अपना के ज़रूर देखें। तो आज मुझे यही टेक्निक आपके साथ शेयर करनी थी, और कुछ और चीज़ें, कुछ और टेक्निक्स आगे मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू।